यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नागालैंड में उग्रवादी हमले में शहीद हुए कोसली के सचिन कुमार को आज उनके रेवाड़ी के गांव कोसली में अंतिम विदाई दी गई। सचिन की शहादत को नमन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अंतिम विदाई में शामिल हुए और परिवार को सांत्वना भी दी। शहीद के भाई ने कहा कि उसके भाई जैसा वीर सपूत हमेशा देश के लिए आगे आते रहेंगे। जो इस तरीके के वीर सपूत हैं वो देश की रक्षा को आगे आते रहेंगे और जो देश में हालात हैं उसके लिए सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि 28 वर्षीय शहीद सचिन कुमार साल 2011 में 40 असम राइफल्स में भर्ती हुए थे और 16 जून 2018 को उनकी टुकड़ी पर उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसमें सचिन समेत 4 जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में 21 जून को शहीद सचिन ने अंतिम सांस ली।